हेलो फ्रेंड्स, मैं चक कृपाणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्पवाटिका गोंडा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उसको कार्नेशन के नाम से जानते हैं। ये देखिए, खूबसूरत ड्रॉप वैरायटी का कार्नेशन जो कि गमले को पूरा भर लेता है। ये हमारे पास दो कलर हैं, एक पिंक रेड है और एक पूरा पिंक है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, आप देखिए। और ये जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे यदि इसको आप सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इस समय इसको सेमी शेड एरिया बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको आप रखेंगे। दूसरी चीज़, आप ये जानें कि इसके लिए कौन सी सॉइल मिक्सचर आपको बनानी है, कौन सी सॉइल मिक्सचर आपको लगानी है जिससे ये पौधा आपका ग्रो करता रहे और देर गर्मियों में भी ये आपको फूल प्रोवाइड करता रहे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी सॉइल मिक्सचर है जो इसको बहुत अच्छा बनाती है, पौधे को अच्छा ग्रो कराती है और आगे ले जाती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हम अपने सॉइल मिक्सचर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह जैसा लेते हैं, 30% गार्डन सॉइल लेंगे। 30% गार्डन सॉइल हम लेंगे इसमें, ये देख लीजिए। हमने गार्डन सॉइल ले लिया है। अब इस सॉइल को अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे, ऐसा मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लीजिए, एक से दो मिनट लगेगा। इसको साफ़ करके हटा दीजिए, इससे जितने भी फंगस फैलाने वाली चीज़ें हैं वो सब निकल जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे रिवर सैंड। रिवर सैंड इसलिए क्योंकि हमें मीडिया को बेल ड्रेन बनाना है, पानी रुकने ना पाए। अगर पानी रुकेगा तो पौधा सड़ जाएगा, फंगस लगेगा और फिर आप पौधे को बचा नहीं पाएंगे। तो हम ये लेंगे रिवर सैंड 30%। रिवर सैंड बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसको आप पूरा मिला दीजिए। देखिए इसमें कितने क्रेबल्स पड़े हुए हैं, यह सब मीडिया को पोरस बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोकोपीट लेंगे। इसकी मात्रा होगी 20%। कोकोपीट आप लीजिए 20%, ये कोकोपीट है, इसको हम 20% ही लेंगे। गर्मियों में ये पौधे को मॉइस्चर प्रदान करेगी और अगर हम पानी किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं तो ये पौधे को वाटर भी रिलीज़ करती रहेगी। और अंत में इसमें हम लेंगे तमाम गुणों से युक्त, ये है हमारा लीफ कंपोस्ट। इसको हम 20% लेंगे, लीफ कंपोस्ट। अब हम इस सॉइल मिक्स में थोड़ी सी नीम खली मिलाएंगे। नीम खली का मतलब, आप नीम खली मिला दीजिए 2 चम्मच, क्योंकि किसी भी प्रकार का इसमें वो न लगने पाए, फंगस न लगने पाए। 2 चम्मच हमने नीम खली मिला दिया। और प्रकाशन लेने के लिए हम 1/2 चम्मच इसमें फंगीसाइड मिलाएंगे, इसको हम साफ फंगीसाइड बोलते हैं। साफ फंगीसाइड मिलाने से किसी भी प्रकार का इसमें फंगस लगने की संभावना कम रहेगी। ये इतना फंगीसाइड हमने इसमें मिला दिया। अब ये पूरी मीडिया हमारी तैयार हो गई। हम इस पौधे को 10 इंच के गमले में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेल ड्रेन के लिए पानी निकलने के लिए हमने कई छेद बना रखे हैं, 10 इंच के पॉट में लगाएंगे और अब इसको मिलाना शुरू करेंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे, आप अच्छे से मिलाइए। और इसको मिलाने के बाद, पौधा लगाने के बाद, आप अच्छे से हाथ को साबुन से धो लीजिएगा। पूरी मीडिया जब मिल जाए तो इस मीडिया को हम एक तरफ कर देंगे। अब ये मीडिया हमारी मिल गई है। अब दूसरा पार्ट है गमले का। इसमें हम ये जो छेद देख रहे हैं, इसके ऊपर पत्थर के कुछ ये छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े डाल देंगे ताकि ये पानी को बेल ड्रेन बनाए रहे।
रोके ना और पानी निकल जाए। जो भी आपके पास हो वो टुकड़े डाल दीजिए, टूटे हुए गमलों के टिपरी डाल दीजिए, प्लास्टिक गमलों के नहीं, वो क्ले गमलों के जो मिट्टी के बने हुए गमले होते हैं, तो इस तरह से आप इसको आप डाल दीजिएगा, देख लीजिए आप डाल दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि आधा सॉइल गमले से, आधा गमला सॉइल से भर देना है। ये देखिए, बस इससे अधिक हम नहीं भरेंगे, देख लीजिए हमने भर दिया। अब इसको भी हम पीछे करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, गमले को जो भी गमला हमें लगाना है इसमें, उस गमले को पॉट से निकालना। तो हमने चूज किया इस गमले को, तो इस गमले को हम कैसे निकालेंगे, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बीच में हम उंगली फंसा देंगे और इसको पलट देंगे और ठोकर देंगे, ये मिट्टी सहित पूरा निकल आएगा। देखिए इसकी रूट्स सब बाउंड हो रही थी। अब इस मिट्टी को हम निकालेंगे, नर्सरी वाले सीधे मिट्टी में लगा के भेज देते हैं। इस मिट्टी को हम इसे धीरे धीरे हाथों से निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे ताकि हमारा रूट बॉल जो है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। हल्के हाथों से इसको हम निकाल लेंगे। देखिए चिकनी मिट्टी में लगा हुआ पौधा है पूरी तरीके से, जड़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, डेवलप कर गई हैं। लगाने से पहले आप ये सूखी चीज़ें हैं इसको हम कैंची से काट के निकाल देंगे, ये सूखी चीज़ों को हम काट के निकाल देंगे इस तरह से। इधर तमाम सूखे नीचे हैं, ये ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से सूख जाते हैं, इन्हीं से बचाने के लिए हमने इसमें फंगिसाइड का प्रयोग कर दिया अच्छे तरीके से। देखिए इन चीज़ों को आप काट के निकाल दीजिए ऐसे ऐसे, और यहीं से नई नई जड़ें डेवलप होती जाएंगी। जहाँ से हो सके कैंची से काटिए, जहाँ से हो सके अगर टूटे नहीं तो हाथों से निकाल दीजिए। गमले अगर आप देखिए साफ़ सफाई रखेंगे तो पौधा आप बहुत देर तक चलेगा और बहुत ही अच्छा चलेगा। ये देखिए लगभग मैंने इसकी सफाई कर दी है पूरी तरीके से, आप भी ऐसे कर दीजिए तो आपका पौधा अच्छे तरीके से चलेगा। इस मिट्टी को हटाते हैं हम, अब आते हैं इसको यहाँ प्लेस करने के लिए। पहले रख के देखते हैं कि पौधा पूरी तरीके से आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। अब ये हमारा बैठ गया, अब इसके चारों ओर हम ये हाथों से शेष बची हुई मिट्टी को डाल देंगे घुमा घुमा करते हुए। पौधा लगाइए, पौधा लगाने में आलस मत कीजिए। बहुत से काम आप करते हैं, अपने प्लांट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नर्सरियों से पौधा लाते हैं फिर कहते हैं सूख गया। सूख इसलिए जाता है जब इंसान को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, इंसान को विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो इंसान भी तो सूख जाएंगे। ये भी पौधे ही जीव ही हैं, इनकी भी वही केयर करनी पड़ती है जो हमारे आप जैसे इंसानों की करनी पड़ती है। अब ये मैंने लगा दिया, इतनी जगह मैंने खाली छोड़ रखी है इसमें समय समय पर खाद देने के लिए और समय समय पर जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको देने के लिए। तो दोस्तों ये पौधा लग गया मेरा, अब ये पौधा और डेवलप करेगा, इससे ब्रांचेस निकलेंगी, और अगर साइड से ब्रांचेस सूखती जाती हैं तो आप इसे काटते रहिए। अब आते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन देने के लिए, कौन सी खाद हम देंगे। दोस्तों इसमें हम बहुत रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस खाद का प्रयोग हम करने वाले हैं वो है बोन मील। आप जानते हैं बोन मील रिच फास्फोरस स्रोत है, इसका एक चम्मच हम लेंगे और इसमें डाल देंगे, एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है। और इसके बाद हम लेंगे रॉक फॉस्फेट, ये दोनों बहुत ही अच्छी खाद है और बहुत ही अच्छी चीज़ है पौधे को पोषण बनाने के लिए। सारी चीज़ें पौधा इसी से प्राप्त कर लेगा, आपको कोई और चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा मिलाएंगे हम मस्टर्ड केक पाउडर, यानी जो आप सरसों की खली को कहते हैं, सरसों की खली के नाम से जिसको आप पुकारते हैं, हम उसको मिलाएंगे एक चम्मच। ये देखिए ये इतना, हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसी को कायदे से मिला लेंगे खूब, और हाथों से
हम इस पौधे के चारों ओर दे देंगे। ये देखिए, लेंगे और इसके चारों ओर मैंने इसको इसे दे दिया। कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा आने वाला है। गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है आपके पौधों को। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, इस पौधे को हमेशा अब आप सेमी शेड एरिया में रखेंगे, जहाँ पर आधे घंटे की धूप लगे या इनडायरेक्ट धूप लगे वहाँ अच्छा, वहीं पर इसको आप प्लेस करेंगे। अब आते हैं पानी की तरफ, वाटरिंग। वाटरिंग इतनी आप इसको कीजिएगा जितना इसको पानी की ज़रूरत हो। हाथों से चेक करते हुए बराबर आप देखते रहिएगा। ये पहली बार है तो मैं इतना पानी दे रहा हूँ, बार बार आप हाथों से पानी चेक करके ही इस पौधे को पानी देंगे, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, कोई इसको फिर बचा नहीं पाएगा। अब रह गई बात इस पर पेट सटैक की, तो इसके अमूमन इसके ऊपर किसी भी प्रकार के पेट्स का अटैक नहीं होता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि इसके ऊपर पेट्स का अटैक हो सकता है तो सप्ताह में एक बार नीम ऑयल का प्रयोग, यानी जो कोल्ड प्रेस नीम ऑयल होता है, 1 लीटर में 1 ml पानी मिलाकर इस पर स्प्रे कर दिया करें। बाकी इसमें कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए नए आए हों तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और ये जानकारी आपके पौधों में 4 चांद लगाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।